नमस्कार साथियों, यूपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूपी स्पेशल के पेपर 6 की जो श्रृंखला चल रही है उसी क्रम में आज हम लेक्चर 6 डिस्कस करेंगे, जो कि आयोग के सिलेबस के टॉपिक उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा एवं गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना प्रबंधन से संबंधित है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ यूपी। यूपी में जो भी नवीकरणीय ऊर्जा गैर नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित जो भी संसाधन है उनका किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए और उनका कैसे में हम क्या करें उसको योजना बनाएं, ये हमारा टॉपिक है और आयोग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न हमेशा आते रहे हैं। इस टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उनका एनालिटिकल तरीके से डिस्कस करेंगे, साथ ही प्रश्न को किस तरीके से रियल एग्जाम में अटेम्प्ट किया जाए यह भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, इस टॉपिक से जो पहला प्रश्न लिया गया है उसका वो है कि उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं। तो पहले तो हम नवीकरणीय ऊर्जा को समझ लेते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा आखिर क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है जो कि प्रकृति में असीमित मतलब अनलिमिटेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा अनलिमिटेड असीमित उपलब्धता एवं अक्षयशील संसाधन है कि इनको अक्षयशील का मतलब है कि इनको इतनी आसानी से क्षय नहीं हो सकते जैसे अक्षयशील संसाधन है। असीमित मतलब अनलिमिटेड ये रिसोर्स है, हमारे पास बहुत पर्याप्त मात्रा में है, साथ ही साथ संसाधन है और पर्यावरण हितैषी क्या कह लीजिए अनुकूल है, हितैषी अनुकूल या इसको कहेंगे हम कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। क्या है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोर्सेज है या रिसोर्सेज है। ये हो गया पर्यावरण हितैषी या अनुकूल कह लीजिए या एनवायरमेंटल फ्रेंडली रिसोर्सेज है, ये हमारा क्या हो गया सिंपल सा डिफिनेशन हो गया। अब जरा देख लेते हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, जो प्रश्न की डिमांड है वो समझिए यहाँ पे क्या है। प्रश्न की डिमांड है कि उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आखिर कौन कौन से हैं, उसमें फिर हम बाद में सौर ऊर्जा की यहाँ पे स्पेशल डिमांड की गई क्वेश्चन में तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन देख लेते हैं, हमने डिफाइन कर लिया, अब देख लेते हैं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन ठीक है कौन सा, एक तो हमने सौर ऊर्जा ही पहले देख लेते हैं,
सौर ऊर्जा हमारा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। यहाँ पे चलिए इसको हम दूसरे कलर से कर देते हैं। सौर ऊर्जा हमारी ये क्या है, महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। दूसरा अगर यहाँ पे हम देखें तो पवन ऊर्जा भी क्या हमारी क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, नवी पवन ऊर्जा। और अगर हम देखें यहाँ पे तो जो भूतापी ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी विंड एनर्जी और यहाँ पे जियो जियो थर्मल एनर्जी, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो अगर हम और डिटेल में जाएं तो यहाँ पे हम जल विद्युत ऊर्जा को भी हम क्या एनवायरमेंटल फ्रेंडली मान लेते हैं, जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा हो गया। और इसके अलावा और अगर देखें हम तो यहाँ पे हमें जो जैव ऊर्जा है, जैव ऊर्जा जो है बायो एनर्जी इसको कहते हैं, ये जो बायो एनर्जी है ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, हमने देख लिया कि इस प्रकार से हमारी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, ठीक है। और कभी कभी यहाँ जल विद्युत ऊर्जा को नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय दोनों में रख देते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, तो अब हम आते हैं जो यहाँ पे हमको डिस्कस करना है, वो हमको डिस्कस करना है सौर ऊर्जा के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा जो टॉपिक है, जो प्रश्न डिमांड जो है प्रश्न की, वो हमारी सौर ऊर्जा से संबंधित है, तो हम इसी सौर ऊर्जा को देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि सौर ऊर्जा की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई हैं, आप समझिए पहले। यहाँ पे हेडिंग जो हमारी हो जाएगी कि सौर ऊर्जा की स्थापना के लिए सौर ऊर्जा की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा की स्थापना के लिए सौर ऊर्जा की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार का है जो तात्पर्य है वो उत्तर प्रदेश सरकार से है, प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना, ये हमारी हेडिंग है। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन अगर देखा जाए तो केवल हमारी क्या है, यही है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब यह है कि कौन सी ऐसे इनिशिएटिव यूपी गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किए गए जो कि सोलर एनर्जी को की स्थापना के लिए हैं, ठीक है। तो हमने हेडिंग बनाया और अब जो हमारा पहला पॉइंट होगा कि कौन कौन सी हम बताते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ एक डाटा चले, यहाँ पर डाटा से ध्यान समझिए क्या है कि यूपी
सरकार ने सौर ऊर्जा सहित सभी नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए वर्ष 1983 ईस्वी में यूपी जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं यूपी नेडा का गठन किया। जरा यहाँ समझिए गठन किया। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, नेडा, यहाँ पे समझिए, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी यूपी नेडा, ये हमारा है। इसकी स्थापना कभी वर्ष 1983 में हुई। ये प्रिलिम्स के इतिहास से ही भी काफ़ी का महत्वपूर्ण फैक्ट है आपका। एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखें तो वर्ष 2022 में यूपी सरकार द्वारा यूपी सौर ऊर्जा नीति 2022 लाई गई जो इसका उद्देश्य है, आप समझिए जरा पे, इसका जो उद्देश्य है नीति का, ये था आपका कि वर्ष 2026-27 तक 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करना, ये इसका क्या था, लक्ष्य था। इसमें अगर डिफ्रेंशिएट करें ये 22,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है, तो ये इसका हो गया। और अगर हम देखेंगे इसको आगे, हम डिटेल में अगर इसकी पॉलिसी पूछी जाती है तो डिटेल में देखेंगे, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगला जो सौर ऊर्जा के लिए कौन सा कदम उठाया गया सरकार द्वारा, सरकार ने सोलर सिटी प्रोग्राम लॉन्च किया, सोलर सिटी प्रोग्राम को लॉन्च किया। इसके तहत क्या होगा, जरा यहाँ समझिए, लॉन्च किया सोलर सिटी जो प्रोग्राम है, आखिर समझेंगे हम कि सोलर सिटी के तहत क्या होगा। सोलर सिटी प्रोग्राम के माध्यम से मॉडल सौर शहर की स्थापना की जा रही है, उदाहरण के रूप में अगर उदाहरण के रूप में देखें हम तो जो अयोध्या हमारा है, अयोध्या शहर को अयोध्या शहर को
मॉडल सौर सिटी के रूप में विकास के विकसित किया रहा, मॉडल सौर सिटी के रूप में विकसित किया रहा के रूप में विकसित किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ अयोध्या शहर हो गया, इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रयागराज है, प्रयागराज को भी विकसित किया जाएगा, और अगर देखें तो आगरा, ये कुछ ये जो महत्वपूर्ण शहर हैं इनको अलग अलग क्या किया जा रहा है, सोल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, ये सोलर सिटी प्रोग्राम, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये किया गया। और आप समझिए क्या किया जा रहा है इसके लिए, जो महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे हम पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम वहाँ पे लिख पाएंगे, कि आपको डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पॉइंट फॉर्मेट में ही आप वहाँ पे आंसर क्या करेंगे आप देंगे। वहाँ पे वर्ष 2018 में फ्रांस की सहायता से ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में कोई प्रश्न भी पूछा गया है कि सहायता से मिर्ज़ापुर शहर में 100 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क स्थापित किया गया। और अब क्या है, अब अलग अलग शहरों में सौर पार्कों का विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ सरकार ने क्या किया, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, वर्ष 2023 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे में परिवर्तित किया। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं और उसको यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाही जो प्राप्त होगी वो सौर ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। ठीक है, महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। अगला जो पॉइंट है, सोलर सिटी कार्यक्रम अपने हमने भी देखा, साथ ही साथ जो सोलर सिटी कार्यक्रम के तहत सौर मित्र योजना, जैसे बैंक मित्र थे ऐसे सौर मित्र योजना की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से क्या होगा, इसको समझ लेते हैं वहाँ पे। इसके माध्यम से जो हम सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेंगे उनके रखरखाव के लिए जो यहाँ पे जो युवा होंगे, जो लोग होंगे वहाँ पर, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि इनकी देखरेख कर सकें। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो पीएम कुसुम योजना है, पीएम जो केंद्र सरकार की पीएम कुसुम योजना है, पीएम कुसुम योजना के तहत प्रदेश में सिंचाई पंपों का सोलराइजेशन किया जा रहा है, सोलराइजेशन। सोलराइजेशन कर
सौर पंपों की स्थापना की जा रही है, क्योंकि अब उनको जो क्या होगा, उनके लिए डीजल की आवश्यकता नहीं होगी, उनको जो विद्युत ऊर्जा है सौर ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त होगी। सौर ऊर्जा सौर पंप की स्थापना की जा रही है। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो प्रदेश सरकार ने स्टार्ट की है, इसी कहते हैं यूपी कृषि सोलर पंप योजना। यहाँ पर संक्षिप्त में हम जान लेते हैं यूपी कृषि सोलर पंप योजना। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको आप और बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्पेस बहुत कम है। ऐसे एग्ज़ाम में भी होता है कि आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एग्ज़ाम आपके पास टाइम और स्पेस आपके पास कम होगा, इसलिए आप सारी चीज़ें नहीं लिख सकते हैं। आप जो डिमांड आप क्वेश्चन है उसको आप पूरा कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हमने बहुत सही देख ली। अब इसका हम क्या करते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं, एक अच्छा सा कंक्लूजन निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जो सौर ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा, या इसको कह सकते हैं सौर ऊर्जा प्रदेश की 22 करोड़ आबादी की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम है। इसको आप SDG से जोड़ दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हम आप देख लीजिए कि हमारी जो 22 करोड़ आबादी है उसको अधिक से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता, जिस तरीके से क्या होता है टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है और हमारे पास अलग अलग इक्विपमेंट, हमारे पास उपकरण जो होते हैं जो बिजली विद्युत से संचालित होते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उस सौर ऊर्जा को एक आधार बना सकते हैं। ये हमारा एक प्रश्न यहाँ पर कम्प्लीट हुआ है। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है उसको देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगला प्रश्न जो हमारा है इसी टॉपिक से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश के गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर प्रकाश डालना। अब आपको क्या करना है, जो भी हमारे गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं उनको डिटेल में समझने की हम प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको पता है, यहाँ पे जरा हम समझ लेते हैं, जो प्रदेश के, आप इसका इंट्रो आप देखिए, जरा इंट्रो देखिए इसका, अगर हमको क्या लिखना है, इंट्रो लिखना है प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, विकास में ऊर्जा की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एनर्जी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ यूपी या इंडिया, या इस हिसाब से कंट्री कह लीजिए, स्टेट या कंट्री कह लीजिए। एनर्जी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ स्टेट और कंट्री। तो प्रदेश हो या राज्य हो या देश हो, उसमें सामाजिक आर्थिक विकास में ऊर्जा की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों, जो हमारे ऊर्जा के गैर नवीकरणीय संसाधन विद्युत आपूर्ति में प्राचीन काल से सहायक रहे हैं, ठीक है। विद्युत आपूर्ति कह लीजिए, यहाँ कह लीजिए ऊर्जा आपूर्ति में, इसको हम थोड़ा और इसको करेक्ट कर देते हैं, ऊर्जा आपूर्ति में, आप समझ लीजिए, ऊर्जा आपूर्ति में
ऊर्जा आपूर्ति में प्राचीन काल से सहायक रहे हैं। आप देखें कि आग जो होती थी, जो हम लकड़ी जलाते थे जिसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं, उनको जलाने के हम वैसे क्या हम ऊर्जा प्राप्त करते थे। ठीक है, आप जरा देख लेते हैं हम यहाँ पे जो हम कि हमारे गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन आखिर कौन से हैं। गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में हम देख लेते हैं कि हमारा जो कोयला है, कोयला या इसको कह सकते हैं हम जीवाश्म कोयला कह सकते हैं, कोयला कोयला हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे क्या हो जाएंगे, कोयला हो गया, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, और आप देख सकते हैं और हम इसमें जल विद्युत को हम नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय दोनों में हम क्या करते हैं कवर अप कर लेते हैं। जल विद्युत को भी हम यहाँ कर गैर नवीकरणीय में ही कवर, ये दोनों जगह हम कहीं ना कहीं काउंट कर लेते हैं। ठीक है, जरा देखते हैं ठीक है, हमको प्रश्न की डिमांड क्या है यहाँ पे, ऊर्जा संसाधनों पर प्रकाश डालना है। ठीक है, अब जरा समझ लेते हैं। जो हमारा पहला अगर यहाँ पे देखें हम, जो कोयला हमारा, कोयला एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, कोयला। ठीक है, तो अब कोयला को देखें हम, उसको पहले थोड़ा कोयला को हम देखने से पहले जरा एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, कोयला देख लेते हैं। तो कोयला के विषय में अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो यूपी का सिंगरौली क्षेत्र है, आप समझने की कोशिश करिए यहाँ पे कि जो यूपी का जो सिंगरौली क्षेत्र है, यूपी का सिंगरौली क्षेत्र, और सिंगरौली क्षेत्र कहाँ आएगा, ये सोनभद्र में, सिंगरौली क्षेत्र जो कि कहाँ आता है, सोनभद्र में आता है, सोनभद्र एकमात्र कोयला भंडार, एकमात्र कोयला भंडार है। ठीक है, इसके अलावा साथ साथ क्या है, जो सोनभद्र का और इससे लगा हुआ कुछ, सोनभद्र प्लस यहां पे मिर्जापुर भी आएगा, मिर्जापुर भी आएगा, सोनभद्र प्लस मिर्जापुर भी इसी में कहीं ना कहीं कवर होगा। जरा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ मैप देखें, तो ये वाला जो कुछ रीजन जो होगा, ये सोनभद्र हमारा होगा और ये कुछ मिर्जापुर, ये जो क्षेत्र होगा ये यूपी अगर है तो ये कोयला वाला क्षेत्र होगा। पूरे प्रदेश में केवल कोयला कहाँ, इस क्षेत्र में पाया जाता है। अनुमानित जो भंडार है यहाँ कोयले का, जो अनुमानित भंडार है यहाँ कोयले का, ये अनुमानित भंडार यहाँ पे है, बाईस बिलियन टन। इसके अलावा अगर देखा जाए, इसके अलावा अगर आप देखेंगे थोड़ा सा कुछ झांसी ललितपुर बांदा वाला जो एरिया है, वहाँ थोड़ा थोड़े कुछ कोयला खदानें हैं, प्लस पचवारा कोयला क्षेत्र बलरामपुर में। अगर हम अन्य क्षेत्र देखें यहाँ पे, हम अन्य कोयला क्षेत्र देखें, अन्य कोयला क्षेत्र में पचवारा कोयला क्षेत्र है, और ये आता है आपका बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में,
इसके अलावा झांसी, ललितपुर, बांदा, इस क्षेत्र में भी क्या है कि कुछ कुछ कोयला खदानें यहाँ पे आपको मिलेगी। ये है कोयला की जो यूपी की स्थिति है। आप समझिएगा यूपी में जो भी कोयला है, यूपी में उपलब्ध कोयला राज्य की आवश्यकता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं नहीं है, इसलिए जो कोयला की आवश्यकता है, इसलिए आयात द्वारा हम क्या करते हैं, कोयला का आयात करते हैं। आयात द्वारा आवश्यकता पूर्ति होती है, आवश्यकता ठीक। अब जरा हम देख लेते हैं, ये तो हो गई हमारी कोयले की स्थिति। अब हम अगर हमारा जो दूसरा जो क्षेत्र है वो पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस का देख लेते हैं। पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस का देख लेते हैं कि क्या स्थिति हमारे यहाँ यूपी क्या है। अब आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा कि पूरा भारत में क्या है जो पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस क्या है, यहाँ पे कोई प्राकृतिक भंडार उस तरीके से पर्याप्त नहीं है। हमारी जो 80-85% जो आवश्यकता है वो हमारी आयात द्वारा पूर्ति होती है। तो यहाँ पे भी जो यूपी है, यूपी पेट्रोल यूपी जो है क्या है, आयात पर निर्भर है, आयात पर निर्भर है। यहाँ आयात के माध्यम से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की आवश्यकता पूरी होती है। आयात पर स्थानीय रूप से उपलब्धता नहीं है। साथ ही साथ कोई ज्ञात निक्षेप मतलब कि नोन जो रिजर्व हैं, निक्षेप या रिजर्व हैं जो इसको कह सकते हैं, नोन रिजर्व क्या है, प्राप्त भी नहीं है। कोई ज्ञात निक्षेप यहाँ पे नहीं है जिनसे पता हो, ठीक है, नोन जो रिजर्व हैं हमारे पास नहीं है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये सब महत्वपूर्ण टर्म होते हैं, ध्यान इनको आपको नोट करने की जरूरत है। यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में एक गंगा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, गंगा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, के अंतर्गत यूपी के जगदीशपुर से यूपी के जो जगदीशपुर है, यहाँ से जगदीशपुर से पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा तक लगभग
लगभग 3384 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन निर्मित की गई। ठीक है, इसकी हो गया। साथ ही साथ अगर आप देखें यहां पे ठीक है, इसके अलावा यूपी में चार थर्मल पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं, तो ये जो चार थर्मल पावर प्लांट हैं, इनकी लोकेशन आप जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिहाज से भी। एक हरदुआगंज में है, ठीक है, और जो हरदुआगंज है ये आपके अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। हरदुआगंज जो आपका पावर प्लांट है वो कहाँ आता है? अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके अलावा जो इसमें दूसरा जो पावर प्लांट है परीक्षा, आपका क्या है पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, वो आपका झांसी में आता है। झांसी जो जिला है वहाँ आता है। साथ ही साथ अनपरा, जो थर्मल पावर प्लांट है उस सोनभद्र में आता है। ये प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ओबरा, पावर प्लांट, ओबरा भी कहाँ आता है आपका? सोनभद्र में आता है। सोनभद्र में दो थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। इसलिए ये जो आपके थर्मल पावर प्लांट हैं इनको राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा संचालित किया जा रहा है, ध्यान दीजिए इनको, नोट यहाँ पे, राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा संचालित किया जाता है। इसके अलावा पनकी ताप विद्युत गृह भी है जो कानपुर में, ठीक है। इस प्रकार से हम देख लिया, हमने देखा किया अब इसके अलावा और हम देख लेते हैं यहां पे। प्राकृतिक गैस के आप देखेंगे कि जो प्राकृतिक गैस है उसका यूपी में कोई खास भंडार यहाँ पे नहीं आपको मिलेंगे, लेकिन जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी है, इसका जिक्र करना ज़रूरी है। ऑयल रिफाइनरी ১৯৭২ में इसको स्थापित किया गया। ये क्या है, यहाँ पर मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो है प्राकृतिक गैस के लिए है, जो पेट्रोलियम के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 लाख टन प्रतिवर्ष कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है, इसके अलावा अगर हम प्राकृतिक गैस में देखें तो कांडला से लेकर के गोरखपुर एलपीजी
पाइपलाइन का विकास किया गया है, पाइपलाइन का विकास किया गया। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे जो इस प्रकार से हमने क्या किया, जो हमारे गैर गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन थे उनको हमने देख लिया, ठीक है। इसी प्रकार से जल विद्युत परियोजनाएं भी बहुत सारी हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजनाएं में आपका क्या है, रिहंद जल विद्युत परियोजना बहुत सारी हैं आपकी, आप बहुत देख सकते हैं रिहन जल विद्युत परियोजना है, ओबरा भी यहाँ पे, ओबरा भी है, और माता टीला बांध बनाया गया है, जहाँ ये कहाँ है आपका, झांसी में, ठीक। इस प्रकार से कई सारी परियोजनाएं हैं और आप इसका निष्कर्ष देख सकते हैं, ठीक है। जरा इसका निष्कर्ष एक लाइन में हम देख लेते हैं। निष्कर्ष के रूप में आप कह सकते हैं कि जो आपकी गैर नवीकरणीय ऊर्जा है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा संसाधन राज्य की विद्युत आवश्यकता पूर्ति में प्राथमिक है। सिंपल सा आपका इंट्रो ने क्या किया है, कार्य कर दिया। अब अगला जो हमारा जो प्रश्न यहाँ पे है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके पहले भी के जो पॉलिसी थी, इसके पहले जो पॉलिसी थी उसको भी आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है और इसको भी पूछने के महत्वपूर्ण चांसेस हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि आखिर ये क्या है, ठीक है। अगला जो प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 की चर्चा करनी है कि 2022 में कौन कौन सी इसमें जो इसकी सौर ऊर्जा पॉलिसी है वो क्या थी, ठीक है। इसका एक इंट्रो हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर इसका हम इंट्रो देखें तो जो सोलह नवंबर 2022 ये भी ध्यान देने वाली बात है, पूछ लिया जाता है कभी कभी प्रीलिम्स में, को यूपी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित कर उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, मतलब यहाँ पे ये है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 को क्या किया, एक हिसाब से उसने मंजूरी प्रदान की,
मोस्टली इसमें क्या है कि हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे सोलर एनर्जी को, और सोलर एनर्जी को के प्रमोशन के द्वारा हम इसमें क्या है, इसमें हम जो प्रोडक्शन, जो हमारी जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या करें, हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उत्पादन क्षमता, यहाँ क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, कैपेसिटी को हम बढ़ाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ये प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा। अब ज़रा देखिए इसके जो मेन मेन फीचर, इसका उद्देश्य क्या है, इसके मेन मेन फीचर क्या है, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। इसके उद्देश्य जान लेते हैं। यूपी सौर ऊर्जा नीति 2022 के उद्देश्य, हम उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं। यूपी में विश्वसनीय और टिकाऊ क्रेडिबल एंड सस्टेनेबल ऊर्जा की पहुंच सभी के लिए सुनिश्चित करना। Provide credible and sustainable energy for all, सभी के लिए credible and sustainable energy सभी को provide करने का एक क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य, ठीक है। अगला पॉइंट जो हमारा है यहाँ पे, राज्य में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। मतलब ये है कि हम क्या चाहते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी, हमारा जो इसका लक्ष्य है क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी हम क्या करना चाहते हैं, प्रोवाइड करना चाहते हैं। और जो हमारी जो जीवाश्म ईंधन है, हमारी जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना चाहते हैं, जीवाश्म ईंधन पर जो निर्भरता है उसको हम क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा उद्देश्य है इसका, सौर ऊर्जा उत्पादन और भंडारण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश
निजी क्षेत्र के निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, ये हमारा क्या है, उसका उद्देश्य है, ताकि निजी निवेशक जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो इन्वेस्टर हैं वो आएं और सोलर एनर्जी में क्या करें, उसके उत्पादन प्रोडक्शन एंड उसका जो रिजर्व है उसको क्या करें, प्रमोट करें, इस तरीके का हम एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट करें। ठीक है, इसके साथ हम देखते हैं अब इसका जरा मेन जो फीचर है इसके, तो इसका लक्ष्य है जो नीति के लक्ष्य हैं उन पर हम जरा देखते हैं क्या है इसके, ये तो उद्देश्य हो गया, नीति के लक्ष्य समझते हैं। ठीक, जो नीति का लक्ष्य है इसका जो मेन टारगेट जो है राज्य में वर्ष 2026-27 तक 22,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित करना। अब इसके लिए क्या है, जो 22,000 मेगावाट जो ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है, तो इस 22,000 मेगावाट में क्या क्या करना है आप समझिए। रहे ठीक है, इस 22,000 में जो 22,000 ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, इसमें 14,000 इसको समझ लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। मेगावाट जो आपका लक्ष्य है, इसमें जो 14,000 मेगावाट जो सौर ऊर्जा है उत्पादन है, वो सोलर रूफटॉप ये हम क्या करेंगे, सोलर पार्क के माध्यम से उत्पादन। इसके अलावा सोलर रूफटॉप आवासी होंगे उनके माध्यम से क्या करेंगे हम, उनसे 4500 मेगावाट उत्पादन होगा, 4500 मेगावाट। इसके साथ आप समझिए जो सोलर रूफटॉप गैर आवासी जो होंगे, कुछ बिल्डिंग आवासी होंगी और कुछ बिल्डिंग क्या होंगी, कॉमर्शियल होती हैं जो गैर आवासीय होंगी, जैसे बैंक वगैरह हो गया, इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, 1500 मेगावाट हम क्या करेंगे, विद्युत उत्पादन करेंगे। अब क्या हो गया, हमारे पास 2000 मेगावाट उत्पादन हम कहाँ से करेंगे, और वो बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। और पीएम कुसुम योजना के माध्यम से, तो पीएम कुसुम योजना से 2000 मेगावाट, इस तरीके से हमारा 22,000 मेगावाट क्या होगा, कवर हो जाएगा। इसी में इतना कवर किया गया, सोलर पार्क को कवर किया गया इसमें, सोलर रूफटॉप आवासी और गैर आवासी, इनको कहते हैं रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल, और पीएम कुसुम स्कीम को यहाँ कवर किया गया है, इसके माध्यम से हम उत्पादन करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसमें टारगेट रखा गया है 2022 का, ये हमारा हो गया उद्देश्य। साथ साथ इसका जो लक्ष्य है हमारा जो उद्देश्य हो गया, इसमें जो और इसका जो लक्ष्य है समझने की कोशिश करते हैं।
इसका और अच्छी है कि जो हमारा जो पार्क होंगे पार्क द्वारा उत्पादित सौर ऊर्जा को इसके अलावा जरा यहाँ देख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण जो इसमें बात है वो जरा समझ लेते हैं। तो मेन जो पॉइंट है उसको कवर कर लिया गया है, इसके अलावा जिसका महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको भी समझने की हम कोशिश करते हैं। इसमें ये कहा गया है जो UPPCL है, UPPCL द्वारा जो अपने डिस्कॉम होंगे, अपने डिस्कॉम के माध्यम से PM कुसुम कुसुम योजना एवं सोलर रूफटॉप के अंतर्गत अंतर्गत उत्पादित सौर ऊर्जा क्रय की जाएगी। इसका सीधा सा मतलब ये है, आप जरा इसको समझने की कोशिश करिए क्योंकि महत्वपूर्ण है जानना कि जब समझिए जो पीएम कुसुम योजना है और सोलर रूफटॉप योजना है। पीएम कुसुम योजना के तहत जो किसान हैं वो सौर ऊर्जा उत्पादित करेंगे और सोलर रूफटॉप के अंतर्गत, सोलर रूफटॉप एक रेजिडेंशियल है एक नॉन रेजिडेंशियल है, इसके माध्यम से जो अतिरिक्त सौर ऊर्जा उत्पादित की जाएगी उसको UPPCL द्वारा क्या किया जाएगा, क्रय किया जाएगा, खरीदा जाएगा, उसके लिए उसको भुगतान भी किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की यहाँ पे कई सारे प्रावधान किए गए। ठीक है, इसको देख लिया। साथ ही साथ इस योजना के माध्यम से 30,000 रोजगार सृजन की भी काफी लक्ष्य रखा गया है, रोजगार सृजन का भी लक्ष्य संभावित है। इस प्रकार से हमने सौर ऊर्जा नीति को देख लिया और इसका एक निष्कर्ष हम लिख सकते हैं सिंपल सा। सौर ऊर्जा नीति 2022 यूपी के नागरिकों के लिए अत्यंत लाभदायक बेनिफिशियल साबित होगी। इससे न केवल पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा उत्पादन संभव होगा बल्कि लागत प्रभावी विद्युत आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी।
प्रकार से हमने जो तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको देखा, ठीक है, उनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं जो हमारे कीवर्ड होते हैं, और इस प्रकार से हम अपने प्रश्न को कंप्लीट कर दिया, ठीक ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो लेक्चर 6 था वो कंप्लीट हुआ है, और हम मिलते हैं अगले लेक्चर 7 में। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है, और आप इसको लगातार प्रयास करते रहिए, इसको लगातार जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते रहिए, और इस तरीके से जो जिस तरीके से प्रश्न आपको कवर कराए जा रहे हैं इस तरीके से आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नमस्कार।